सो हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सबनानी, और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं गाइस, बिकॉज मैं बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर से मैं रिसर्च कर रहा था कि मैं कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकता हूं मेरे कैमरा को मोबाइल फोन से कनेक्ट करके, ताकि मुझे मेरे लैपटॉप को या फिर किसी और डिवाइस को बीच में इन्वॉल्व करना ना पड़े। तो फाइनली वो मैंने क्रैक कर लिया है गाइस, और इस वीडियो में मैं पूरा सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप वायरलेस स्ट्रीमिंग कर सकते हो, और इस स्ट्रीमिंग को आप आसानी से अपने गिम्बल पे भी कनेक्ट करके, या फिर अगर आप सपोज करिए वेडिंग में स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और यू डोंट वांट कि आप किसी लैपटॉप या केबल्स का कनेक्शन हो, तो वो कैसे पॉसिबल है इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस लास्ट संडे को लाइव स्ट्रीम किया था, और उस लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया भी था कि जो लाइव स्ट्रीमिंग मैं कर रहा हूँ राइट नाउ, वो मेरे मोबाइल फोन के थ्रू मेरे कैमरा से कनेक्ट होते हुए आ रही है। तो मैंने बताया था कि मैं उसका ट्यूटोरियल जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो यही वो ट्यूटोरियल है गाइस जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप आए हैं फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएट कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेट गाइस, बिफोर वी स्टार्ट जस्ट अ क्विक इन्फॉर्मेशन गाइस, कि मेरा जो बेसिक्स ऑफ वीडियोग्राफी वाला कोर्स है वो लाइव हो चुका है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच वीडियोस शूट करना प्रो लेवल का सीखना चाहते हो, देन वो कोर्स आप लोगों के लिए ही डिजाइन हुआ है, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को किन किन चीजों की नीड है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई कैमरा चाहिए जिसमें आपको क्लियर HDMI आउटपुट का ऑप्शन मिले। सो यहाँ पे मैं सोनी के कैमराज यूज कर रहा हूँ, और सोनी के सभी कैमराज में आपको क्लियर HDMI आउटपुट मिलता है। मैं ज़रा प्रेफर करूंगा कि अगर आपके कैमरा में फुल HDMI वाला पोर्ट हो तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज रहता है, क्योंकि ये जल्दी से केबल हिल करके निकलती नहीं है, ताकि लाइव स्ट्रीमिंग यूजुअली क्या होता है, जो माइक्रो HDMI पोर्ट होते हैं वो केबल्स बहुत जल्दी लूज हो जाती हैं, देन लाइव स्ट्रीम बीच में बंद हो जाता है। बट यहाँ पे इस बड़े HDMI पोर्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा कैमरा जिसमें फुल HDMI पोर्ट दे रखा हो, तो देन वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहता है। यहाँ पे मैं सोनी FX3 यूज कर रहा हूँ। FX3 जो है उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि फुल HDMI पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बट बिकॉज ऑफ इस कैमरा में भी बैटरी नहीं लगा हुआ है, बैटरी जो है मेरा डिस्चार्ज हो गया है, तो यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सोनी Alpha 6000 है। हालांकि मैं आपको इसके एडवांटेज बताऊंगा, अगर मैं FX3 यूज करता हूँ तो उसके क्या मेजर एडवांटेज रहते हैं हैंड हेल्ड लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान। तो यहाँ पे अभी मेरे पास Alpha 6000 है कैमरा के लिए, जिसमें माइक्रो HDMI पोर्ट है, और मेरे पास यहाँ पे केबल्स है, सो फॉर श्योर आपको HDMI केबल्स की नीड पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पे एक माइक्रो HDMI केबल है जिसकी नीड पड़ेगी। दूसरी चीज की आपको जो नीड पड़ेगी, दैट इज कैप्चर कार्ड। तो कैप्चर कार्ड आपको जरूरत रहेगा, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। ये बेसिकली हेल्प करेगा आपके कैमरा के फीड को एज इन USB फीड में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल फोन पे ऐड करने के लिए। तो ये आप जरूर खरीद लीजिएगा। और स्पेसिफिकली मैं इस ब्रांड का रेकमेंड करूंगा, पैंगो का, क्योंकि अभी तक मैंने और भी जो कैप्चर कार्ड यूज करे हैं वो कैप्चर कार्ड इस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। स्पेशली ये जो कैप्चर कार्ड है काफी सस्ता कैप्चर कार्ड है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं, तो ये कैप्चर कार्ड आप फॉर श्योर खरीद सकते हैं। नाउ थर्ड चीज की जो नीड पड़ेगी, दैट इज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आपका टाइप सी पोर्ट होना चाहिए, ज्यादा बेटर है अगर आपके मोबाइल फोन में टाइप सी पोर्ट है, वरना आप OTG अडैप्टर लेके भी अपने मोबाइल फोन में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ मोबाइल फोन है LG का V30, और मैं यहाँ पे एक और मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, दैट इज Realme X2 Pro, ठीक है। सो यहाँ पे मोबाइल फोन में मुझे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, जिस एप्लीकेशन का नाम है Camerafy। सो मैं Camerafy गूगल पे सर्च करता हूँ, एंड Camerafy लाइव करके ये आपको ऐप देखने को मिलेगा, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। एक और जो चीज आपके फोन में सेटिंग्स में आपको करनी है, आपको अपने फोन के USB डीबगिंग के ऑप्शन को ऑन करना है। अब USB डीबगिंग कैसे ऑन होता है, आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, वहां पे आपको फोन की एडवांस सेटिंग्स में जाना है, और एडवांस सेटिंग्स में जाकर के आपको USB डीबगिंग के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। USB डीबगिंग का ऑप्शन ऑन होने का मतलब यह है कि आप किसी भी एक्सटर्नल USB डिवाइस को डॉक कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, एज इन किसी और थर्ड पार्टी एक्सेसरी के तौर पर, तो वो डीबगिंग के ऑप्शन को ऑन करना जरूरी है। नाउ अब हम लोग प्रोसेस समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। आपके पास ये सारी चीजें होना जरूरी है, आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है, आपके पास कैमरा होना चाहिए जिसमें क्लियर HDMI आउटपुट हो, आपके पास एक कैप्चर कार्ड चाहिए, आपको एक HDMI केबल चाहिए, आपको एक मोबाइल चाहिए जिसमें टाइप सी पोर्ट, या फिर आपके पास एक OTG अडैप्टर होना चाहिए। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरे फोन को, अब मैं मेरे कैमरा को कनेक्ट करूंगा मेरे फोन से। तो यहाँ पे मैं सिंपली HDMI केबल कनेक्ट कर दिया है। मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के बाद में हम लोगों को एप्लीकेशन ऑन करनी है, दैट इज Camerafy एप्लीकेशन। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा Camerafy एप्लीकेशन में, राइट, यहाँ पे मेरे फोन में आपको नजर आ रही है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। फोन को इंटरनेट से भी कनेक्ट कर लीजिएगा, आइदर आपका फोन का डेटा हो या फिर आपके आपने अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर रखा हो। तो मैंने यहाँ पे वाईफाई से भी
कनेक्ट किया हुआ है मेरे फोन को एंड ये कनेक्ट हो गया है. सो अभी यू कैन सी कि एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको नजर आ रहा है. यहाँ पे मुझे मेरे पास ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट. ये सारे ऑप्शन है मेरे पास में, फेसबुक, यूट्यूब, राइट, ट्विच, SRT, और ये सारे प्लेटफॉर्म है. यू स्ट्रीम है, RTMP स्ट्रीमिंग है, कस्टम RTMP स्ट्रीमिंग है, राइट. तो ये सारे ऑप्शन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. सो मुझे अगर आपको फेसबुक पे करना है तो आपको फेसबुक सेलेक्ट करना है, आपको यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करना है तो आपको यूट्यूब सेलेक्ट करना है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करूँगा, राइट. सो मुझे ये बोलेगा अपने अकाउंट को आप लिंक करिए, तो आपको अपने अकाउंट से लिंक करना है इसको. लिंक करने के बाद में आपको सिंपली स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक कर देना है. स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन पे मेंशन होगा कि डू यू वांट टू यूज USB एक्सेस डिवाइस. देन फिर से मुझे USB डिवाइस फॉर ऑडियो, इसको भी ओके करना है. एंड देन ऑडियो, इसको भी ओके करना है. एंड देन मेन स्क्रीन, इसको भी ओके करना है. सी, मेरा जो कैमरा है यहाँ पे एज एन USB डिवाइस के तौर पे कनेक्ट हो गया. यू कैन एबल टू सी के मेरे USB के थ्रू मेरा कैमरा का जो फीड है वो नज़र आ रहा है. ये मेरा कैमरे का फीड जो है वो नज़र आ रहा है, राइट. सो कैमरा नाउ कनेक्ट हो गया है मेरे USB डिवाइस से, और नाउ सिंपली मुझे यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करना है. एंड ये एक बार मुझे बोलेगा कि स्क्रीन लैंडस्केप मोड पे, नथिंग टू वरी, हिट कर दीजिए गो लाइव पे. एंड आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो होना आपके सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो जाएगा. सो काफी इजी प्रोसेस है गाइज ये, दैट्स इट. आपको आपको एक मोबाइल फोन की नीड है, आपको HDMI केबल, एक कैप्चर कार्ड और कैमरा की नीड है, और जस्ट आपको सिंगल क्लिक प्रेस करना है, आपका जो स्ट्रीम है वो होना स्टार्ट हो जाएगा. स्ट्रीमिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट भी ये भी है कि अगर आपको ऑडियो भी लेना हो तो ऑडियो भी आपके डायरेक्टली कैमरा से ही चले जाएगा. आपको जैसे अपने कैमरा पे माइक्रोफोन को माउंट करना है, और आज जैसे मैंने यहाँ पे वायरलेस माइक्रोफोन यूज किया हुआ है, तो आप वायरलेस माइक्रोफोन को कनेक्ट कर दीजिए. एंड जो स्ट्रीमिंग जब होगा तो ऑडियो और वीडियो दोनों साइमल्टेनियसली स्ट्रीम होगा आपका साथ में, तो आपको ऑडियो का भी मोबाइल फोन से कोई भी नॉइज वॉइस का इश्यू नहीं आएगा. तो मैं ऑलरेडी स्ट्रीम कर चुका हूँ, मैं स्ट्रीम के लिंक भी ऐड कर दिए. एक जो प्रॉब्लम मुझे पर्सनली फील हुई इस स्ट्रीमिंग प्रोसेस की, कि जब आप इसे टाइप सी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो थोड़ी स्पीड से ड्रेन होती है. तो ऑलमोस्ट लाइक अगर मेरा फोन फुल चार्ज है तो ऑलमोस्ट लाइक 2 hours तक की स्ट्रीमिंग मैं कंटिन्यूसली मेरे मोबाइल फोन से कर सकता हूँ. दूसरी एक और प्रॉब्लम जो मुझे फील हुई, कि जो ये एप्लीकेशन है इसका पेड वर्जन अगर आप नहीं लेते तो फ्री वर्जन पे आपके वीडियो में वाटरमार्क ड्रॉप कर देता है. अगर आप पेड वर्जन लेंगे तो आपका जो वाटरमार्क है वो भी वीडियो में से रिमूव हो जाता है. इसके साथ साथ में इसमें बिल्ट इन कुछ इफेक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूज करके अपनी स्ट्रीमिंग को और गुड लुकिंग आप बना सकते हो. तो काफी अच्छा एप्लीकेशन है ये, आप फॉर श्योर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो स्ट्रीमिंग के लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट के जब आप इतनी सारी वायर्स कनेक्ट कर देते हो, और कैमरा अगर ट्राइपॉड पे लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप जब हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो तो प्रॉब्लम बहुत आती है, राइट. क्योंकि ये वायर सारी लटकती हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. इन केस ऑफ दैट यहाँ पे मेरे पास क्या एडवांटेज है कि मैं सोनी FX3 यूज कर सकता हूँ स्ट्रीमिंग के लिए. और सोनी FX3 में यहाँ पे मेरे पास में एक केज का ऑप्शन है, जहाँ पे इस तरीके से मैं इस टाइप की एक्सेसरी को माउंट कर सकता हूँ, मोबाइल फोन के एक्सेसरी को माउंट कर सकता हूँ. सी, मैंने यहाँ पे इसे माउंट कर दिया. एंड देन उसके बाद मैं अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, और केबल जो है मेरे पास अभी यहाँ पे थोड़ी बड़ी लेंथ की है, बट अगर आपके पास में एक छोटी लेंथ की केबल हो और वायर मैनेजर वाली क्लिप हो तो उसके बाद सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. आप रन एंड गन सिचुएशन में आसानी से हैंडल तरीके से शूट कर सकते हो अपने वीडियो को. यहाँ पे मेरे को एक और बहुत बड़ा एडवांटेज इस कैमरा में कि फुल HDMI पोर्ट है, तो काफी रिलायबल होता है और इजिली हिल करके और स्ट्रीमिंग कैमरा की फीड आना बंद नहीं हो जाती. यूजली माइक्रो HDMI पोर्ट में एक प्रॉब्लम आती है. नाउ सी, इस तरीके से मैं पूरा सेटअप हैंड हेल्ड स्ट्रीमिंग का आसानी से कर सकता हूँ. ये केबल्स आपको एक वायर मैनेजर के थ्रू क्लिप करनी पड़ेंगी, जो अभी राइट नाउ मेरे पास यहाँ नहीं है, बट स्टिल ये हैंड हेल्ड सेटअप के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए एक बहुत अच्छा सेटअप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के ऊपर ही मल्टीपल क्वार्टर थ्रेड इंच माउंट मुझे मिल जाते हैं. तो इस तरीके से आप हैंड हेल्ड स्ट्रीमिंग के लिए सेटअप कर सकते हो अपने FX3 को, इफ यू वॉन्ट कि आपको हैंडल स्ट्रीमिंग करनी है. मेरे पास में कोई भी अदर सोनी कैमरा है तो भी आप आसानी से स्ट्रीमिंग कर सकते हो. आप अगर आपको केज खरीदना हो तो आप केज भी खरीद सकते हो, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए होंगे. जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आपको चाहिए स्ट्रीमिंग के सोल्यूशन के लिए, उसके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए होंगे. यहाँ पे
इस कैप्चर कार्ड को मैं ऑल दो रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक इस कैप्चर कार्ड को मैंने इसके अलावा और भी अदर ब्रांड के कैप्चर कार्ड टेस्ट किए लाइक एलगाडो और एवर मीडिया, वो मेरे फोन पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यही कार्ड था जो स्पेसिफिकली मेरे फोन पे सपोर्ट किया, और मैंने दो तीन अदर फोन्स में भी ट्राई किया लाइक रियलमी वाले फोन में, और मेरे भाई के पास एक सैमसंग का फोन है उस पर भी मैंने ट्राई किया, उस पर भी परफेक्टली ये काम कर रहा था वायरलेस स्ट्रीमिंग के थ्रू। मैंने एक पूरी स्ट्रीम करी है ऑलमोस्ट लाइक 50 मिनट की संडे को, जो लास्ट संडे गया, तो उसके लिंक मैंने ड्रॉप किए हुए हैं। यू कैन एबल टू सी कि कितनी अच्छी क्वालिटी का स्ट्रीम ये कर रहा था। इस एप्लीकेशन में मैं फुल HD तक के रेजोल्यूशन तक स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ। तो काफी सिंपल प्रोसेस है, आप जरूर इसको ट्राई करिएगा अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है वायरलेस अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, साथ साथ में आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।